महानुभाव श्री दत्त मंदिर जुनी शुक्रवार नागपुर की ओर से पंचकृष्ण पूजन पंचावतार उपहार कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर दूर दराज से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। श्री दत्त मंदिर जुनी शुक्रवार में पंचकृष्ण पूजन और पंचावतार उपहार का कार्यक्रम लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और छप्पन भोग उपहार से किया गया। भजन मंडली द्वारा एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में दूर दराज से सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। इस कार्यक्रम के बारे में दिनकर मुनि बाप अंकुल नेरकर इन्होंने जानकारी दी। दर्शकों, इस समय में इनबीसीएन की टीम खड़ी है इस जुनू शुक्रवार स्थित ऐसे श्री दत्त मंदिर में, जहां पे बड़ी हर्षोल्लास के साथ श्री पंचकृष्ण पूजन और पंचावतार उपहार का कार्यक्रम लिया जा रहा है, जहां पे दूर दराज से आप देख सकते हैं कई श्रद्धालु है जो बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने, भाग लेने के लिए यहां पे आए हुए हैं। सुबह से यहां पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्री पंचकृष्ण उपहार और पंचावतार ये वो प्रोग्राम होता है जो महानुभाव पंथी में सबसे बड़ा प्रोग्राम माना जाता है। इस प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए आप देख सकते हैं, थोड़ा पैन करके बताए कि किस तरह से यहाँ पे दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लोग जो है इस कार्यक्रम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में हमारे साथ में रेमन बुरगांव के दिनकर मुनि अंकुरनेकर जी है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। बाबा, ये बताए कि जिस तरह से आज ये प्रोग्राम लिया गया है, ये कितना महत्वपूर्ण था प्रोग्राम? ये कार्यक्रम महानुभव पंथ का ये सबसे पवित्र और श्रेष्ठ कार्यक्रम, श्री पंचकृष्ण अवतार मतलब श्री कृष्ण भगवान के ही पांच अवतार है, तो इन अवतारों ने महाराष्ट्र पवित्र भूमि में जीव उद्धारण के लिए सबसे बड़ी अहमियत बताई है कि जीव आत्मा ने अन्न दान करना ये कितना महत्व का है। और ये कार्यक्रम जो लिया है हमारे नागपुर शहर में जूनी शुक्रवारी मेरे परिवार श्री दत्त मंदिर और मेरे परिवार की तरफ से ये जो कार्यक्रम हुआ है, तो इस कार्यक्रम में मुख्य पंचावतार उपहार का महत्व क्या है कि परमेश्वर इस जीव का भाव स्वीकारते हैं। ये महानुभव पंथ हिंदू परंपरा की उपहार मतलब परमेश्वर को हम इस मूर्ति के माध्यम से, इस पवित्र स्थान के माध्यम से उस परमात्मा को हम ये नैवेद्य उपहार छप्पन भोग यहाँ दिखाया जाता है, तो ये भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये महानुभव पंथ की ये पंचकृष्ण उपहार यहाँ ये किया गया है, तो ये अत्यंत श्रद्धा से पवित्रता से ये सब भक्त यहाँ एकत्रित आए हैं और इनका भाव परमेश्वर ने स्वीकार किया है। ऐसे भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ये कलयुग में प्रथम अवतार फल्टन में लिया है और उसके बाद पैठण में इन्होंने ये बेड़ा स्वीकार बेड़ा उठाया है कि सभी जीवों का हम उद्धार करेंगे और ये अन्नदान से ही जीव का जैसा वैसा उद्धार होता है, तो ये अन्नदान की यहाँ ये क्रिया है। दंडोत प्रणाम। सभी जीवों का उद्धार करने के लिए सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज इनका ये जो व्रत है, इनकी ये जो बात है, ये अभी से नहीं है, ये कई 1100-800 साल पहले से है। हर जीव का उद्धार करने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया हुआ है और चाहे कलयुग हो, सतयुग हो या हो फिर ऐसे कोई भी युग, हर युग में कुछ ना कुछ एक अवतार होते हैं। ठीक इसी प्रकार से कलयुग में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने ये जीवों का उद्धार करने के लिए कार्य लिया है। पंचोत्तर उपहार अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि छप्पन भोग जिस प्रकार से दिखाए जाते हैं वो भी अपने आप में के मानवपन का। आज पूरे भारत में 2 करोड़ के आसपास कभी श्रद्धालु, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम और जिससे आज ये भक्तों ने जो लाभ उठाया वो अपने आप में एक है। सह्याद्री शिखरे रम्य मत्री अनुसूया नंदनम तो मंदे परमानंद श्री दत्तात्रेय जगत गुरु। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरा, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।